हैं। पेपरिक्स बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट भी है। ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ किस तरह से पानी में रखा हुआ है। और जो आपको अभी आवाज़ आ रही है, ये गैस कीजिए क्या होगा, ये फ्रॉग्स हैं जो पानी के आसपास सराउंडिंग रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय कुमार चेतीवाल है, मैं एक गार्डन हॉबीस्ट हूँ। मैं प्लांट्स की नई नई वेराइटियाँ आपको दिखाता रहता हूँ। आज जो मैं आपको प्लांट्स दिखाने वाला हूँ वो वाटर प्लांट्स के बारे में है। आइए व्यू करते हैं किस तरह के वाटर प्लांट्स हैं जो आप अपने बाहर गार्डन में टेरेस में लगा के उसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए व्यू करते हैं क्या क्या वाटर प्लांट्स आप लगा सकते हो, वो मैं आपको एक एक करके अभी दिखाने वाला हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। इसको आप पानी के अंदर डाल के इसका लुत्फ उठा सकते हो। और जो अब ये प्लांट देख रहे हो आप, ये हाइसेंथ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, और ये पूरा पानी के अंदर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, जिसे कृष्ण कमल के नाम से भी ये प्लांट जाना जाता है। ये सभी प्लांट मैं आपको जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये सभी प्लांट सन लविंग प्लांट हैं। मैक्सिमम सनलाइट इन्हें 4 आवर्स की चाहिए होती है। ये देखिए, वाओ, ये अम्ब्रेला प्लांट है, ये भी देखिए पानी में लगा हुआ है कितनी खूबसूरती से। और ये साइड में जो आप ये देख रहे हो बैम्बू स्टिक की तरह, ये हॉर्सटेल बैम्बू बोलते हैं, बहुत ही प्रीटी प्लांट है। एक प्लांट आप लगाते हैं धीरे धीरे ये फैलना भी शुरू कर देता है, वैसे मोस्टली प्लांट फैल भी जाते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको बहुत ही सुंदर प्लांट दिखा रहा हूँ, शायद आपने देखा हो, इसको पेपरिक्स बोलते हैं। पेपरिक्स बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट भी है। ये देखिए, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ किस तरह से पानी में रखा हुआ है। और जो आपको अभी आवाज़ आ रही है, ये गैस कीजिए क्या होगा, ये फ्रॉग्स हैं जो पानी के आसपास सराउंडिंग रहते हैं, और रात में इनका साउंड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दे लव प्लांट, जब भी आप देखेंगे बारिश आती है तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। अब खैर, बात करते हैं दूसरे प्लांट, तीसरे प्लांट की। ये आप थालिया जेनिकुलाटा है, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। इसमें भी पर्पल कलर के बहुत छोटे फ्लावर आते हैं, इसकी स्टिक निकलती है, जो अभी देखिए फ्लावर इसका सूख गया था तो हमने ये काट दिया है। ऊपर जाके ये फ्लावर देना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये भी पानी में लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसमें वाटर लिली भी लगाए हुए हैं, देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट ये देखिए हॉर्सटेल, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। हमने पानी अच्छे से डेली वाटरिंग इसको करना होता है, क्योंकि अभी हमने पानी में नहीं रखा हुआ, बट पानी, ये वाटर लविंग प्लांट है तो पानी अच्छे से करना होता है। आप ये देखिए, इसमें वाटर कैबेज डाले हुए हैं दूर दूर, इस तरह से। अगर पीली पत्तियाँ होती हैं, जो आप पीली पत्तियाँ देख रहे हो, हाथ से हटा सकते हो। और पीछे देखिए, वाइट कलर के पॉट में एक साल्विनिया डाला हुआ है, और इसमें पेपरिक्स बड़ा प्लांट है, और वाटर कैबेज भी है। बहुत ही सुंदर टब है ये देखिए, किसी भी तरह के टब में आप लगा सकते हो, जिसके जिसके अंदर होल्स ना हो, पानी रुक सके। और जो अभी आप देख रहे हो साल्विनिया के छोटे 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 प्लांट हैं, वो गप्पी फिश होती है, एक मॉली फिश होती है, वो भी आप रख सकते हैं। तो बट मॉली और गप्पी बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और ये देखिए, ये भी वाटर लिली है। एक प्लांट बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए थालिया डील बाटा है, इस तरह से इसका कहेंगे फ्रूट है। ये जब पुराना होने लगता है, जब फटता है, तो इसमें रेशे और रुई जैसे कॉटन जैसे उड़ने लगता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसे भी वाटर प्लांट की तरह इसे उगाते हैं पानी में रखकर। तो ये इस तरह के वाटर प्लांट्स, ये देखिए, ये जो आप अभी देख रहे हो उड़ते हुए, बहुत ही, ये सब बीटल्स हैं जो अभी इस टाइम आपको ज़्यादा अपने गार्डन में आप देखोगे बीटल्स। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पत्तियों को और फ्लावर को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके फ्लावर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्लावर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसको अगर आपको आपके जो फ्लावर है, जिन अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो आप नीम का स्प्रे कर सकते हो, 1 लीटर में 5 ml डाल सके पत्तियों पे, तने पे करके, जिससे आपके फ्लावर वो नहीं आएंगे और नहीं खाएंगे। तो ये सारे वाटर प्लांट्स हैं जो आप लगा सकते हो। आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये डॉलर प्लांट, पेनीवर्ट बोलते हैं इस प्लांट को। सभी प्लांट के हमने टैग्स लगा के रखे हैं। हमारी जो नर्सरी है वो दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन। जब भी आप आएंगे, आपको बहुत सी वाटर प्लांट की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है, यूँ कहें, लोग बहुत ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं इन्हें।
ये देखिए अगेन हाइसिंथ आप देख रहे हो, पेपरेक्स प्लांट लगा हुआ है। पेपरेक्स एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लैंडस्केपिंग में, वाटर प्लांट्स में। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थालिया डील बाटा, जो आपको प्लांट दिखा रहा था मैं, उसके फ्लावर ये देखिए पर्पल कलर के, अभी ये मुरझा गए हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है इसका। और जो मैं आपको बर्ड ऑफ पैराडाइज के फ्लावर दिखा रहा था, ये देखिए कितने सुंदर हैं। ये इस तरह से शाम के टाइम मोस्टली फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं या पुराने होने लगता है तो झड़ जाते हैं। ये थी जो जितने भी आपके वाटर प्लांट्स मैंने आपको दिखाए, आप ज़रूर इन्हें अपने गार्डन में ऐड कीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। थैंक यू सो मच।